नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड को बड़ा तोहफा, लगातार तीसरी बार जीते अजय टम्टा बने राज्य मंत्री। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम धामी भी हुए शामिल। आज शाम को मोदी कैबिनेट की मीटिंग। पिथौरागढ़ का आदि कैलाश पर्वत पर्यटकों से गुलजार। दर्शन के लिए पहुंचे 10,000 से ज्यादा लोग। पिछले साल पीएम मोदी ने किया था दौरा। रामनगर की जीआई टैग वाली लीची हुई तैयार। देश के साथ साथ विदेश में भी चखेंगे स्वाद। बड़े पैमाने पर कटाई का काम हुआ शुरू। केची धाम मेले की तैयारियों में जुटा नैनीताल का प्रशासन। 15 जून को उमड़ेगा भक्तों का सैलाब। सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात। उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगा गर्मी का प्रकोप। 14 जून तक राहत नहीं। मैदानी इलाकों में हीटवेव का अलर्ट। पहाड़ी क्षेत्रों में झोंकदार हवाएं चलने की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार 5 कमल खिलाने वाले उत्तराखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में प्रतिनिधित्व देकर बड़ा तोहफा दिया। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते अनुभवी अजय टम्टा मोदी कैबिनेट में हिस्सा बने। उन्होंने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। बता दें कि 2014 में जब टम्टा पहली बार निचले सदन के लिए चुने गए थे तो उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में कपड़ा राज्य मंत्री बनाया गया था। पिथौरागढ़ में आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या 10,000 पार हो गई है। बता दें पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि कैलाश का दौरा करने के बाद चमत्कारिक रूप से धार्मिक पर्यटक को बढ़ावा मिला। स्थिति यह है कि पिथौरागढ़ से लेकर ज्योलिंगकांग तक होटल और होम स्टे पैक में है। मई की शुरुआत में पर्यटकों को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को इनर लाइन परमिट की अवधि 15 दिन से घटकर 4 दिन करनी पड़ी। टैक्सी संचालकों से अगुआ इस रोड पर लगभग 250 किलोमीटर तक रेस्टोरेंट ढाबा संचालकों की अच्छी आमदनी हो रही है। ऑनलाइन परमिट से सरकार को भी अब तक लगभग 30 लाख से अधिक का राजस्व मिल चुका है। जून का महीना शुरू होते ही जहां लीची का फल पककर तैयार हो जाता है तो वहीं देहरादून की लीची अपनी एक खास अलग पहचान रखती है। लीची का सीजन शुरू होते ही देहरादून की लीची बाजारों में अपनी रौनक बिखेरने के लिए तैयार है। देहरादून की रोज सेंट्रेड कलकतिया विदाना और किस्म की लीची अपनी अलग पहचान रखती है। वहीं पूर्व में हुई ओलावृष्टि से लीची को खासा नुकसान हुआ। अपने खास सिंदूरी रंग और रसीले मीठे स्वाद के लिए मशहूर देहरादून की लीची को इस बार सूरज के तापमान ने भी झुलसा दिया और लीची ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से पूर्व में ही पककर तैयार हो गई। इन दिनों पर्यटक भारी संख्या में उत्तराखंड आते हैं। देहरादून आने वाले मेहमान चाहे गर्मियों से छुट्टियां बिताने के लिए पर्यटकों के रूप में पहुंचे या किसी सगे संबंधी के घर मेहमान के रूप में देहरादून की लीची का स्वाद लिए बिना अपने घर वापस नहीं लौटते। वहीं इस बार लीची की फसल पर मौसम की मार पड़ने से लीची के व्यापारियों के चेहरे मायूस नजर आ रहे हैं। पिछले साल लीची ठीक रही थी, इस साल ओला पड़ गया दीपावली और फिर पहले साल आम की फसल डाउन हो गई थी, इनके लीची डाउन होगी। 22-23 लाख रुपए घटे थे और इस साल लीची पूरी घट गई। 75 रुपए किलो प्रति जा रहा, 45-50 कुंटल लीची होगी। 400 पेड़ हैं इस बगीचे में हमारे, कुल 40-45 कुंटल लीची है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आम और लीची है। ओलों का नुकसान हुआ, बहुत भयानक नुकसान है। परसों जो
मतलब ये समझो 3 तारीख में अंधी आई थी, उसमें बहुत मोटा नुकसान हुआ। पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की भारी जीत की खुशियों को लेकर मिष्ठान वितरित किए गए, निकाय चुनाव को लेकर संभावित प्रत्याशियों के आवेदन लिए गए एवं उनके साथ चर्चा की गई। आज बहुत खुशी का दिन है, आप देख ही रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में पूरी हलचल है। समाजवादी पार्टी का परचम पूरे उत्तर प्रदेश में लहराया हुआ है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी का जो सपना था पीडीए को लेके जो चल रहे थे वो, तो साकार हुआ और आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर तीसरी पार्टी के रूप में उभर के आए हैं। इसी नीमत से आज यहाँ काशीपुर में बैठे हैं और खुशी मना रहे हैं कि आने वाले 2027 में इसी तरह से जैसे उत्तर प्रदेश में परचम लहराया है, तो उत्तराखंड में भी 2027 में हमारे विधायक होंगे उधव सिंह नगर और हरिद्वार से। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में लीची का स्वाद देश के साथ ही विदेश के लोगों को भी चखने को मिलता है। यहाँ की लीची का स्वाद अपने आप में मिठास से भरा हुआ है, इसलिए इस लीची को GI टैग भी मिला हुआ है, जो अन्य सामान्य लीचियों से अपने आप को अलग करती है। अगर आप अभी तक इसका स्वाद नहीं ले पाए हैं तो आपने इसका नाम तो जरूर सुना होगा। यह लीची मई के महीने में बाजार में आना शुरू हो जाती है, लेकिन यह लीची सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश के साथ ही विदेशों में भी बिकती है। उत्तराखंड के रामनगर, कालाढूंगी, चकलुआ आदि की लीची अब आम लोगों के स्वाद को बढ़ाने और मन को खुश करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको बता दें कि लंबे समय के बाद अब लीची की कटाई का काम बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। यहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला पुरुष लीची की कटाई छटाई और पैकिंग का काम कर रहे हैं, इससे नैनीताल जिले के हजारों ग्रामीणों को रोजगार मिला। उत्तराखंड में रामनगर, कालाढूंगी और इधर के विधानसभा के क्षेत्र चकलुआ, गुलजारपुर और अन्य क्षेत्र भी हैं कालाढूंगी में, जहाँ की लीची राष्ट्रीय स्तर पर और विदेश स्तर पर भी ज़्यादा फेमस है। यहाँ का लीची का टेस्ट काफ़ी अच्छा माना जाता है और अन्य राज्यों के तुलना में यहाँ की लीची का टेस्ट स्वादिष्ट है। लीची हमारी बंगाल, कलकत्ता, इधर तुम्हारे दुबई वगैरह जाती है, विदेशों में भी जाती है, मगर आपके बारिश ना होने के कारण फसल बहुत ही ख़राब हुई है, जिससे मतलब ये लगा लीजिए आप 40-50% नुकसान है ठेकेदार। देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले अब्बास तैयब की पुण्यतिथि पर मसूरी में याद किया गया। उनकी कब्र पर जाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं अब्बास तैयब की पुण्यतिथि को सरकार और प्रशासन की ओर से भुला दिए जाने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। बता दें महात्मा गांधी की ओर से अब्बास तैयब को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात की संज्ञा दी गई थी। उनकी पुण्यतिथि पर मसूरी में लक्ष्मीपुर कब्रिस्तान में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की, साथ ही उनकी कब्र तक जाने वाले मार्गों को क्षतिग्रस्त हालत में देखकर नाराजगी भी व्यक्त की। ये तो हमारे महात्मा गांधी जी के साथ फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने काफ़ी जद्दोजहद करी है इस देश के लिए, इसीलिए जो हम लोगों को भी काफ़ी दिनों के बाद ये पता चला कि इनकी कब्र यहाँ पे है। तब से जो है हम इनकी जो है याद मनाते हैं, हर साल यहाँ पे आते हैं काफ़ी टाइम से, जब से हमें पता चला है। पूर्व में राज्यपाल अजीज कुरैशी जी मसूरी शहर आए थे और उन्होंने 8 लाख रुपए की घोषणा की थी कि ये जो अब्बास तैयब साहब की मज़ार है इसको डेवलप किया जाए, लेकिन आज तक उसका कोई पैसों का पता नहीं चल पाया कि वो गया कहाँ। हल्द्वानी शहर के 13 चौराहे और सड़क चौड़ाईकरण का कार्य तेजी के साथ शुरू हो रहा है। आचार संहिता खत्म होने के बाद इस काम में और तेजी आ गई है। दरअसल लगातार बढ़ रहे यातायात के दबाव और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के जाम में फंसने के कारण काफी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, जिसको देखते हुए हल्द्वानी के नैनीताल रोड में सड़क चौड़ाईकरण का कार्य और शहर के चौराहों को चौड़ा कर बड़ा बनाए जाने का काम किया जा रहा है। मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा का कहना है कि चौराहे चौड़ाईकरण और सड़क चौड़ाईकरण का कार्य
तेजी के साथ किया जा रहा है। यातायात और जाम की समस्याओं से शहर के लोगों और पर्यटकों को निजात मिले, इसके लिए भी हर संभव प्रयास किए जाएंगे। पर बहुत सारे चौराहों का चौड़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है और प्रक्रिया गतिमान भी है। बहुत सा अतिक्रमण कहें या जो इलीगल स्ट्रक्चर से वो हटाए भी जा रहे हैं, तो इसमें जिला प्रशासन में माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में पर्यावरण को कंजर्व करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो जो हमारे पुराने पौधे हैं, जो बड़े पौधे हैं जिनको बचाया जा सकता है, जो टेक्निकली फीजिबल है कि उनको हम ट्रांसप्लांट कहीं और कर सकते हैं, तो उनको लिए जैसे आप काठगोदाम की तरफ जाएंगे तो जो बड़े पौधे हैं उनको हम लोग ट्रांसप्लांट करें। भिकियासेण अल्मोड़ा जिले के विकास खंड भिकियासेण में जन सुरक्षा समिति के आह्वान पर नोला मानेला देवी पेयजल योजना से आच्छादित गांवों की एक बैठक मानेला देवी मंदिर में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से सैकड़ों लोगों ने प्रतिभाग किया। बैठक में बिजली पानी की समस्याओं को लेकर क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। जन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष तुला सिंह तड़ियाल ने कहा कि 10 जून को भिकियासेण तहसील मुख्यालय पर विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। बिजली पानी की समस्याओं में कोई सुधार नहीं हुआ तो तहसील मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा, बीते 18 मई को मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार उपजिलाधिकारी भिकियासेण के माध्यम से पानी की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन दिया गया, परंतु आज भी पानी की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि तुरंत इस योजना के पुनर्गठन के लिए आए पंपों को लगाकर अतिशीघ्र जलापूर्ति की जाए। जसपुर के ग्राम राजपुर निवासी युवती ने संदिग्ध परिस्थितियों में मऊआ डावरा के निकट फीका पुल से नीचे नदी में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। पुल से नदी में कूदकर गिरने से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे रास्ते से गुजर रहे राहगीरों ने तुरंत आपातकालीन 108 पर सूचना दी, जिस पर 108 वाहन से घायल युवती को जसपुर के सरकारी अस्पताल लाकर उपचार हेतु भर्ती करवा दिया गया, जिसकी हालत गंभीर देखकर हायर सेंटर रेफर किया गया। टीकापुर राजपुर जसपुर की निवासी है, 108 एम्बुलेंस द्वारा लाया गया है। सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश उन्होंने किया है, धारदार हथियार से बाएं हाथ की कलाई पर 4 कट हुई हैं और पीठ में ऊंचाई से उन्होंने कूद करके आत्महत्या करने का प्रयास किया है। पीठ में फ्रैक्चर भी ऐसा लग रहा है कि स्पाइन पर फ्रैक्चर भी है, वहाँ पर सूजन है और उभार सा है, दर्द हो रहा है उसे और खड़ी नहीं हो पा रही है। वो प्राथमिक उपचार करते हुए उसे उच्च अस्पताल के लिए संदर्भित किया गया है। विश्व प्रसिद्ध नैनीताल जिले के कींची धाम मंदिर में 15 जून को लगने वाले मेले को लेकर के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस क्षेत्र अधिकारी नितिन लोहानी ने बताया कि पिछले साल मेले में बाबा नीम करौली के दर्शन करने के लिए 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे, इस बार संख्या दुगनी होने की उम्मीद है, जिसको देखते हुए तैयारी शुरू कर दी गई है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शटल सेवा लगाई जाएगी, तो वहीं निजी गाड़ियों के लिए भैवाली में पार्किंग स्थल बनाए जा रहे हैं। मेले के दिन मंदिर परिसर तक किसी को भी वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। पिछले साल भी हमने कैंची मेले में करीब 2.5 लाख के आसपास का फुटफॉल देखा था और बहुत इफेक्टिवली मैनेज हुआ था। हम आशा करते हैं इस बार भी इफेक्टिवली मैनेज होगा। जो हमारा ट्रैफिक प्लान रहेगा वो लगभग पिछले बार जैसा ही होगा, कुछ उसमें एडिशंस होंगे, जैसे जो भीमताल के वाया भीमताल जो गाड़ियाँ जाएंगी वो नैनी बेंड और तिरछा खेत वाली पार्किंग में वहाँ पर रुकवाए जाएंगे वाहन। इसके अलावा नगर पालिका का ग्राउंड है, करीब 250 गाड़ियों की वहाँ पर हमारे पार्किंग स्पेस है। जो गेठिया और जोलीकोट से होते हुए जाएंगी गाड़ियाँ उनके लिए सैनिटोरियम वाली पार्किंग है, सैनिटोरियम से रातीघाट को रास्ता आता है, वो पार्किंग का इस्तेमाल किया जाए। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान पौड़ी के तत्वाधान में पावू ब्लॉक के खंडूली में डेयरी फार्मिंग व बर्मी कंपोस्ट का 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया। समापन के अवसर पर प्रशिक्षार्थियों का आकलन ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान पौड़ी में संपन्न हुआ। संस्थान के निदेशक ने प्रशिक्षार्थियों को डेयरी फार्मिंग और बर्मी कंपोस्ट को नियमित तकनीक का ज्ञान दिया और उद्यमिता विकास के पहलुओं से भी अवगत करवाया।
साथ ही प्रशिक्षणार्थियों को स्वरोजगार अपनाने पर भी जोर दिया गया। हमारी 10 दिन की ट्रेनिंग हुई जिसमें हमें गाय डेयरी फार्मिंग के बारे में सिखाया गया, जिसमें देसी नस्ली और विदेशी नस्ली, तो उसमें हमने लेनी है 5 गाय लेंगे हम साहिवाल। साहिवाल का ये है कि उसमें दूध भी अच्छा है और वो बीमार भी नहीं होती, तो हमें और उसके अलावा हमें ये सिखाया गया कि घास कैसे उगाते हैं और चारा वगैरह कितना देना है। यहाँ पे हमारे पास 26 महिलाएं थी और यहाँ पे हमने 10 दिन में हमें इन लोगों को डेयरी और ईडीपी का प्रशिक्षण हम लोगों ने यहाँ पे दिया, जो बेसिकली है यहाँ पे हम जो महिलाओं को सिखाते हैं हम गांव में जाकर इनका पहले हम कि उद्यमी किस प्रकार बनाए बन सकते हैं, तो उद्यमी के बारे में इन्हें जानकारी मिलती है, फिर हम इनको बैंकिंग की जानकारी देते हैं कि अगर ये उद्यमी बनना चाहते हैं तो हम बैंक का यूज किस प्रकार कर। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में मौसम एक बार फिर से अपने तेवर दिखाने लगा। जून के पहले हफ्ते में हुई बारिश के बाद अब तापमान फिर से 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। दिन में तेज धूप और गर्म हवाओं की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं गर्मी की वजह से अस्पतालों में डायरिया और वायरल बुखार के मरीज भी लगातार बढ़ रहे हैं। बीते रविवार को देहरादून के आसपास के इलाकों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर रहा। यहाँ अधिकतम पारा 40.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया जबकि न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। चंपावत जिले के लोहाघाट विधानसभा के बाराकोट ब्लॉक के चोमेल क्षेत्र के दूरस्थ लीदू ग्राम पंचायत के सिमेला के ग्रामीणों के लिए हर घर जल हर घर नल योजना जी का जंजाल बन गई। ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। उद्धम सिंह नगर जिले की किच्छा कोतवाली पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से किच्छा सहित आसपास के क्षेत्र से चोरी की गई 8 मोटरसाइकिल बरामद की। किच्छा कोतवाली में मामले का खुलासा करते हुए एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि कोतवाली प्रभारी सुंदरम शर्मा के नेतृत्व में किच्छा पुलिस की टीम ने हल्द्वानी मार्ग पर बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों को पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 8 मोटरसाइकिल बरामद कर कब्जे में ली। लगातार जो है अपराध पे कड़ा प्रहार करती रहती है। इसी क्रम में कोतवाली किच्छा को एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि हासिल हुई है। कोतवाली किच्छा की टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी को रोका और उससे जब सघन पूछताछ की गई तो ये पाया गया कि ये चोरी की मोटरसाइकिल है और इसका जो मुकदमा है कोतवाली किच्छा में ऑलरेडी पंजीकृत है। तो इसमें 3 अभियुक्त हमने गिरफ्तार किए हैं और तीनों अभियुक्तों के कब्जे से जो लगभग 8 मोटरसाइकिल हमने बरामद की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के बाद पड़ोसी देशों के नेताओं से मुलाकात की। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ और उनकी पत्नी कोविता जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल देहल और भूटान के प्रधानमंत्री शोरिंग समेत दुनिया के कई नेताओं ने इस समारोह में हिस्सा लिया। समारोह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण करवाई। जम्मू कश्मीर के रियासी तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हुए आतंकवादी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई। इस हमले में 33 यात्री घायल हुए। रियासी के आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही बस पर रविवार शाम आतंकवादियों ने हमला कर दिया जिसके बाद बस खाई में जा गिरी। हमले की जाँच के लिए पुलिस, सेना और सीआरपीएफ से अस्थायी ऑपरेशन मुख्यालय बनाए गए हैं। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड को बड़ा तोहफा, लगातार तीसरी बार जीते अजय टमटा बने राज्य मंत्री। शपथ ग्रहण समारोह में
सीएम धामी भी हुए शामिल आज शाम को मोदी कैबिनेट की मीटिंग। पिथौरागढ़ का आदि कैलाश पर्वत पर्यटकों से गुलजार, दर्शन के लिए पहुंचे 10,000 से ज्यादा लोग, पिछले साल पीएम मोदी ने किया था दौरा। रामनगर की जीआई टैग वाली लीची हुई तैयार, देश के साथ साथ विदेश भी चखेंगे स्वाद, बड़े पैमाने पर कटाई का काम शुरू। केची धाम मेले की तैयारियों में जुटा नैनीताल प्रशासन, 15 जून को उमड़ेगा भक्तों का सैलाब, सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात। उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगी गर्मी, 14 जून तक राहत नहीं, मैदानी इलाकों में हीटवेव का अलर्ट, पहाड़ी क्षेत्रों में झोंकदार हवाएं चलने की संभावना। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही, बने रहिए जन टीवी के साथ, नमस्कार।